हेलो आ रही है क्या करना चलिए शुरू करें जी। बहुत शुक्रिया आप सबका जी। हमारे साथ वर्ल्ड कप स्क्वाड के मेंबर सलमान अली आगा मौजूद हैं। हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं। पहले राणा साहब आप सवाल कर लें। दिलावर राणा आप वैसे ही कर थैंक यू। जी मिडिल ऑर्डर में ऑब्वियसली कोई भी अगर बैटिंग हो या बॉलिंग हो तो मिडिल ऑर्डर जो है एफटी और क्रिकेट में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मिडिल ऑर्डर ऐसी जॉब है जो आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं है किस टाइम किस सिचुएशन में बारी आएगी। तो वो उसी टाइम देखेंगे जिस सिचुएशन में बारी आएगी उसी टाइम वही करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि जो टीम की रिक्वायरमेंट हो उसे पूरा करें। और फिटनेस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। ठीक है में पाकिस्तानी टीम ने पहला दिन तो अच्छा खेला था पाली गिरने में लेकिन एंड पाकिस्तानी टीम का अच्छा नहीं हुआ, हम टूर्नामेंट से बाहर निकले। ओवरऑल टीम का मोरल कैसा है, अगली असाइनमेंट इंडिया के लिए है, दूसरा हमें ड्रेसिंग रूम का माहौल तो बताएं कि अपना को कैसे मोटिवेट किया है इस वर्ल्ड कप असाइनमेंट के लिए टीम में दोबारा से। जी बिल्कुल, एशिया कप जैसा हम चाहते थे वैसा तो नहीं गया लेकिन टीम का मोरल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है और सब काफ़ी मोटिवेटिव हैं कि वहाँ जाकर अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। और ऑब्वियसली एशिया कप का जो ऑब्वियसली हम उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके तो वो अब ऑब्वियसली पास्ट है, उसको हम भुला कर कोशिश करेंगे कि इंडिया जाकर अच्छी परफॉर्मेंस करें। पचास ओवर की ट्रॉफी तो क्या पाकिस्तान के जो शायकीन हैं वो उम्मीद रखें कि आप लोग अब इंडिया जा रहे हैं तो पाकिस्तान में 30 की ट्रॉफी का इजाफा होगा? कोशिश तो सर यही है जैसे आपने कहा कि राइट पे T20 और लेफ्ट पे 50 ओवर किया है, कोशिश यही है कि जब 2021 को वापस आएँ तो सामने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो, तो कोशिश यही करेंगे। और आप सबसे भी गुजारिश है कि सपोर्ट कीजिएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आए। सलमान हम तो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं लेकिन जो है वो परफॉर्मेंस से काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि आपको स्पेशली एज एन ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हम जो है वो टीम में देखना चाहते हैं लेकिन अभी तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। और दूसरा ये कि जो जो डिबैकल एकदम से आया है उसके बाद आपने कहा कि कोशिश करेंगे तो क्या मैनेजमेंट लेवल पर भी इस तरह की कोई ऐसा प्लान हो रहा है कि लड़कों को दोबारा से बूस्टअप किया जाए? देखिए मैंने आप पहले भी कहा कि एशिया कप की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी हम चाहते थे जो कि डिसअपॉइंटेड है और हम भी सब इस चीज़ को ऑब्वियसली ऑब्जर्व करते हैं। और टीम मैनेजमेंट जैसे टीम का अगर माहौल पूछे तो टीम का माहौल तो बहुत अच्छा है, हम सब जानते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस एशिया कप में वैसी नहीं है लेकिन जो क्रिकेट गुजर गई उसके बारे में हम ना सोच सकते हैं। हाँ उस गलतियों से सीख जरूर सकते हैं और कोशिश करेंगे उस गलतियों से सीखें। और मैनेजमेंट ऑब्वियसली उनका फुली बैक है हमारे पे, वो काफ़ी ट्रस्ट करते हैं हम पे और हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप में उनके ट्रस्ट पर पूरा होते हैं। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप खेलना तो हर बंदे का ड्रीम होता है तो मेरा भी जब मैं छोटा था ड्रीम था खेलना और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो रहा है। जी बिल्कुल, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके प्रेशर तो काफ़ी रहता है तो लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप उस प्रेशर को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, मैं भी वही करूँगा। और मैं यहाँ क्यों हूँ, ऑब्वियसली मेरे क्लब के जो लोग हैं उनकी वजह से और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और जो जारी बात है पिछले मतलब 8-10 साल से हमने फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक में हार्ड वर्क किया है, मेरे ख्याल से उसका सिला मिल रहा है। सलमान ये पिछली सीरीज में मारे नफ्सियात आपके साथ हैं तो वर्ल्ड कप में भी जाएंगे तो अभी तक
क्या किरदार उनका नजर आ रहा है, क्या कितने हेल्पफुल हैं वो आपके लिए? जी काफी हेल्पफुल है। जब भी ऐसे बड़े टूर्नामेंट आते हैं तो आप जाहिर बात है आपके जहन में डाउट्स आ जाते हैं, तो वो अगर किसी के जहन में डाउट्स हैं या किसी को किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो हर वक्त मौजूद रहते हैं और उनसे काफ़ी मतलब सेशन भी होते रहते हैं और जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है, आपके डाउट्स मोस्टली क्लियर हो जाते हैं जैसे वो मतलब आपको चीज़ें कराते हैं। थैंक यू।